Hello, dear friends. I hope you all are doing your revisions very properly. So be prepared for your exams. So in this video, I'm going to tell you about photosynthetic pigments. So photosynthetic pigments, what basically they are, I'm going to tell you first here. So photosynthetic pigments are basically, you can say, they absorb light energy. They will absorb light energy, and then from where they will get absorb their light energy, they will absorb light energy from sunlight. Okay, so, and it is essential for the process of photosynthesis, I think you all know. So in this video, I'm going to discuss about two basic photosynthetic pigments. वैसे तो बहुत सारे photosynthetic pigments हैं जो कि nature में मिल रहे हैं plants में. तो photosynthesis pigment की, अगर हम photosynthetic pigment की सबसे पहली बात करें तो chlorophyll है. जैसे कि आप सबको पता है chlorophyll कैसी light को absorb करेगा, blue violet और blue light को, और red region को भी absorb कर लेता है ये. आप सभी को पता है कि विब ग्योर सेवन कलर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी. लेकिन इनमें से क्लोरोफिल ए और बी थोड़ा मोर कॉमनली मिल जाता है प्लांट्स में. ग्रीन प्लांट्स की अगर बात करें, दीज आर मोस्ट मोर कॉमनली फाउंड. दीज बोथ आर कॉमनली फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स. So now coming to the carotenoids, these are also accessory pigments as I have written here, and this will absorb blue and green light. Okay, and they act as accessory pigment because they will transfer light energy which is absorbed to chlorophyll A. मतलब कहने का है कि ये एसेसरी पिगमेंट है और ट्रांसफर करेंगे लाइट एनर्जी जिसको कि क्लोरोफिल ए ने अब्सॉर्ब किया था. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि क्लोरो कैरेटोनाइड्स जो हैं वो ऑरेंज और येलो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ऑरेंज एंड येलो लाइट. और जितने भी हायर ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरेटोनाइड्स, ये इस तरीके के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मिलते हैं. और ये सारे के सारे पिगमेंट्स लीव्स में मिलेंगे, कभी कभी इनका स्मॉल अमाउंट स्टेम में भी मिल सकता है, एंड सम ब्रांचेस ऑल्सो, स्टेम एंड सम ब्रांचेस ऑफ ग्रीन प्लांट. So this is all about photosynthetic pigments. I'm not going into much detail, as you all know, because we are discussing this video series for basically class 10th students. So I'm not going into much depth. One more important point I want to tell you here, ki why plants are green in color, why all the plants look green. So I'm going to tell you about this point also, why plants are green in color. इसका रीजन एक ये हो सकता है कि जितनी भी सन लाइट है उसको व्हाइट लाइट बोलेंगे, वहां पे डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट होंगी. आप सबको पता है हमारे पास सेवन कलर से विब ग्योर वाले. ओके, और ज्यादातर पिगमेंट एब्जॉर्ब सर्टेन लाइट, मोस्ट पिगमेंट एब्जॉर्ब ओनली सर्टेन कलर्स एंड रिफ्लेक्ट द अदर वेवलेंथ्स. द कलर विच वी सी आर द वंस दैट आर रिफ्लेक्टेड बैक. जो कलर हम लोग देख रहे हैं, जो रिफ्लेक्ट होके आ रहे हैं, वही कलर हम लोग को विच इज नॉट गेटिंग एब्जॉर्ब, जो कलर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं, वापस रिफ्लेक्ट होके आ रहे हैं, वही मुझे दिख पा रहे हैं. क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की अगर हम लोग बात करें, ये मेन पिगमेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वॉयलेट ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, रेड लाइट को भी, और रिफ्लेक्ट करते हैं ग्रीन लाइट को. अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो प्लांट मेनली एब्जॉर्ब वॉयलेट ब्लू एंड रेड लाइट, एंड दे विल रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट, एज ग्रीन लाइट डज नॉट एब्जॉर्ब बाय द ग्रीन प्लांट. हेंस ग्रीन प्लांट्स लुक ग्रीन because the chlorophyll they contain reflects green light. I think this point is clear to all of you. Thank you friends for listening me and for your continuous support. I am very much thankful to all of you, my all audience, my all subscriber. If you like this video, please hit the like button and share with your friends. Again, I will come very soon with a new topic, that will be the cell organelle where photosynthesis process takes place, that will be the chloroplast.
ओके फ्रेंड्स, आई होप वी विल मीट सून. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.